हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, ये कोई ब्लॉग नहीं है, इसके लिए मेरे पास काफी सारी डिमांड आ चुकी थी। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ चुके थे कि सर हम कौन सी गाड़ी लें, हम S1 लें या S1 प्रो लें, क्योंकि काफी सारे लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि यार अब दोनों गाड़ियां अवेलेबल है तो हम कौन सी लें। अब कन्फ्यूजन बन जाता है सबके माइंड में, बनता है मेरे माइंड में बना था, मैंने किस तरीके से डिसाइड किया था और आपको किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर S1 को देखा जाए जो मैंने ली है अभी रिसेंटली ही, ये S1 जो है गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे, चलने में काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज भी ठीक ठाक है, 80-85 तक दे देती है। मैंने जब चलाई थी 70 की इसलिए दी क्योंकि मैंने इसको ऑफ रोडिंग भी करी थी, घाटी के ऊपर भी चढ़ाई करी थी और काफी सारी जगह ऐसी जगह चलाई थी जहाँ पे ना पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी वजह से मेरे को लगता है 70 वहाँ पे दी। लेकिन अगर हम हाईवे पे चलाएंगे तो ये 80-85 दे सकती है। और अब फर्क समझते हैं अपन दोनों में, S1 में और S1 प्रो में। तो S1 की अगर बात की जाए तो S1 के अंदर आपको एक तो बैटरी का फर्क मिलता है, साथ में स्पीड का फर्क मिलता है। बैटरी का फर्क कितना है, ये 3 किलोवाट की बैटरी है जो कि लगभग 110 से 120 किलोमीटर चलने की, ये बोलते हैं मतलब इको मोड पे 128 किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल पे 100 किलोमीटर के आसपास चलने वाली है, तो ऐसा बताया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए S1 प्रो की तो S1 प्रो चलती है 170 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अगर नॉर्मल मोड में बात करें तो 160 किलोमीटर के आसपास। तो S1 और S1 प्रो में मेन डिफरेंस जो है वो यही है, बाकी सब कुछ सेम है। S1 प्रो में जितनी टॉर्क की पावर है वो सारी पावर उसमें भी है, सब कुछ सेम चीजें हैं, सिर्फ बैटरी और स्पीड का फर्क है, जो भी मुझे लगता है कि इन्होंने लॉक कर रखा है सॉफ्टवेयर से। आने वाले टाइम में कब तक खोलते हैं नहीं ये तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कि इनमें जो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 30 किलोवाट की हो, लेकिन S1 प्रो के अंदर 4 किलोवाट की है। फाइनल मुद्दे पे आते हैं जिसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि अब आपको S1 लेनी चाहिए या S1 प्रो। अगर आपकी जो डिस्टेंस है, आप जितना ट्रेवल करते हो पर डे, अगर आपका मान सकते हो आप 80 से ऊपर जाते हो डेली, आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवलिंग रेंज है, तब आपको S1 प्रो पे जाना चाहिए। अदरवाइज S1 बेस्ट गाड़ी है और S1 के अंदर मतलब आपको, मैंने जितनी चलाई मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हो जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, जहाँ पर ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है, अगर आप एक जॉब करते हो कहीं पे तो आपको हो सकता है 40-45 किलोमीटर का ट्रैवल हो रोज का, तो उस कंडीशन में ये ठीक है कि आपको एक बार जाना है वापस आना है चार्ज पे लगानी है। लेकिन अगर 50 से ऊपर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको S1 प्रो पे जाना चाहिए। अगर आप डेली का जो आपका रेंज है वो 100 किलोमीटर से ऊपर की है तो आप S1 प्रो पे जाओ, और उससे कम है तो S1 पे जाओ। अब दूसरी चीज, S1 और S1 प्रो किसको नहीं लेनी चाहिए, तो उसे दोनों ही गाड़ी उनको नहीं लेनी चाहिए जिनके घर में आप ये सोच रहे हो कि कोई एजेड व्यक्ति है, मतलब आपके दादाजी हो गए या आपके पापा हो गए जिनकी एज ज्यादा है, 65-70 प्लस है, जिनको स्मार्ट यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए इसका अदरवाइज एक और ऑप्शन है, ओला नहीं वो दूसरी कंपनी है, वो कंपनी है हम बात कर सकते हैं TVS की, TVS i2 बेस्ट गाड़ी लगी है। उसके अंदर सारे जो बटन फीचर्स है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे आपको नॉर्मल गाड़ी मिलते हैं, तो जुपिटर मिलते हैं। वहीं ओला S1 के अंदर एक कमी जो मुझे लगती है, वो कमी क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये S1 के ऊपर अभी लॉक है मेरी गाड़ी, तब भी चार्जिंग पॉइंट खुल गया और विदाउट लॉक के अंदर भी चार्जिंग पॉइंट खुल जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये इसमें वो होनी चाहिए कि यार अगर लॉक है गाड़ी तो ये नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि ये खुल सकता है तो कोई भी इसको निकाल के तोड़ लेगा या फिर कोई इसको खींच के तोड़ देगा, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक चीज जो है वो ध्यान देने वाली है। ये ओला को सजेशन है कि यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना चाहिए, क्या पता कोई इसमें पानी भर दे और उसके बाद हमारे को दिक्कत आ जाए, तो ये कोई भी कर सकता है, हमारी गाड़ी कहीं खड़ी है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो S1 और S1 प्रो दोनों में ये प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बेस्ट गाड़ी इसलिए है क्योंकि 1 लाख के बजट में जितनी भी गाड़ियाँ आती है, फिर वो ओकिनावा हो या फिर हम IQ की देखें तो IQ थोड़ी सी 1.25 लाख तक जाती है, तो 25,000 रुपये ज़्यादा भी लग रहे हैं और गाड़ी के अंदर मतलब फीचर्स भी थोड़े उससे कम मिलते हैं। फीचर्स की गाड़ी है, फीचर काफी ज्यादा अच्छे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि यार नहीं इसके अंदर कुछ फीचर्स कम है या कुछ फीचर्स हमारे को एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि हमारे को जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम फीचर्स होते हैं। तो उस पर्पज से S1 और S1 प्रो में अगर फर्क देखा जाए कि यार S1 प्रो के अंदर थोड़े ज्यादा फीचर, जैसे वहाँ पे एक क्रूज कंट्रोल का फीचर ऐड होता है, तो क्रूज कंट्रोल का फीचर हमारे को नीड ही नहीं, जनरली देखा जाए तो किसी को नीड नहीं होती, कुछ ही लोगों को नीड होती है, तो जिनको नीड है वो ले सकता है। बाकी आप 40,000 रुपये अगर देखते हो तो आपको S1 पे जाना चाहिए, 40 से 50,000 का फर्क पड़ता है, क्योंकि जो S1 प्रो है वो लगभग आती है 1,52,000-53,000 की, उसके अंदर भी आप अगर उसके अंदर इंश्योरेंस लेते हो तो वो पड़ जाती है 1,60,000-1,62,000 की। जबकि अगर इसकी बात करें S1 की, तो S1 का जो एक्सोरूम प्राइस है वो कितना है, 99,999, और 99,999 के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल वारंटी भी दे देते हैं तो ये हमारे को फाइनली पड़ती है 1,60,000 की।
तो ये मुझे 1,07,000 की पड़ी है, वो पड़ती मेरे को अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं हम 1,55,000 1,50,000 के आसपास आफ्टर सब्सिडी। तो मेरी नजर में तो मतलब 50,000 रुपए बचाना बेस्ट है और S1 लेना बेस्ट है, क्योंकि हम इससे ज्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं एक दिन के अंदर। बाकी उसके बाद भी आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों के को डिसाइड करना है कि आपका ट्रेवल कितना है, आप किस जगह आपका ट्रेवल ज्यादा रहता है, आप किस सिटी में रहते हो, आपको मतलब अगर जॉब करते हो तो आपकी जॉब की जो डिस्टेंस है वो कितना है, आपका मार्केट ड्यूरेशन कितना है, आप मार्केट कितना जाते हो, एक दिन में आपके ट्रेवल पे डिपेंड करता है आपको S1 लेनी है S1 प्रो लेना है। दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें आपको बता दिया S1 लेना है S1 प्रो लेना है, अब आपकी चॉइस आपको S1 लेना है या फिर S1 प्रो। तो इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।